हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अभी इस वक्त में आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करते हैं, जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर इस वक्त में क्या चल रहा है, ये चीजें हम टैरो के माध्यम से देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022 का। आज ये पहला दिन है तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस 2022 के लिए। आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं सेंड करती हूं ताकि ये 2022 आप लोगों की लाइफ में बेहद सारी खुशियां, बेहद सारी अबेंडेंस लेकर आए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम, कि अभी इस वक्त में आपके पर्सन के मन में, दिल में आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए एनर्जीज, बताइए इस पर्सन की अभी इस वक्त की। तो पहला आया है विजडम एंड बॉटम ऑफ द डेक है पावर। अभी इस वक्त भी इस पर्सन के मन में, दिल में क्या चल रहा है, व्यूअर्स को लेकर, उनके बीच के कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स यहाँ पर आया है डिस्ट्रप्शंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। स्टैंड योर ग्राउंड, बॉटम ऑफ द डेक है सेक्रीफाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स लाइट, बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में, दिल में क्या चल रहा है। मेमोरीज ऑफ लव एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शंस एंड एनवी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनि, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। टैरो से कार्ड्स निकालेंगे तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो जाएंगी। नंबर 7 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि जुलाई मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे जुड़ गया है, चाहे फिर इस पर्सन के माध्यम से ही क्यों ना जुड़ गया हो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन समझते हैं। यानी कि ये ऐसी एनर्जीज में हमेशा रहते हैं कि इनसे ज्यादा स्ट्रांग, इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा पर्सन इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके अलग मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली है इनकी, या काफी ज्यादा रिट्यूअल्स को, ट्रेडिशंस को मानने वाली है। और सबसे मेन पर्सन इनकी फैमिली में जो ट्रेडिशनल है या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इनके फादर दिखाई दे रहे हैं। या तो ये कोई फादर फिगर है, जैसे इनके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, एल्डर फ्रेंड हो सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस इस पर्सन के ऊपर इतना ज्यादा है कि इन्होंने जो आपके पार्टनर को बोल दिया इन्हें ये फॉलो करना है। ठीक है, तो ये पर्सन इतने ज्यादा पावरफुल मुझे दिख रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा अधिकार आपके पार्टनर के ऊपर है। उसके अलग मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं, उस तरह की एनर्जीज दिख रही है। यानी कि हर वक्त इनके दिमाग में किसी ना किसी तरह की स्ट्रेटेजीज चलती रहती है, या फिर इनका जो बचपन है वो ऐसे माहौल में हुआ है जहां पर आसपास के लोग काफी ज्यादा मैन्युपुलेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेचर इस पर्सन की भी है कि कम बोलते हैं और दिमाग में किसी तरह की कोई ना कोई खिचड़ी इनके चलती रहती है। तो उस तरह के ये पर्सन है। जो इनके फैमिली में जो भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी पर्सन है ना, ये उसकी बातों में इतना ज्यादा रहते हैं कि उन्होंने इनसे अगर बोल दिया कि आपको ये चीजें सेक्रीफाइस करनी है, इन चीजों को आपको छोड़ना है, तो ये तुरंत भी छोड़ देंगे। इस तरह के ये पर्सन दिख रहे हैं। फिर चाहे उस चीज से इस पर्सन की लाइफ में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, एनीवेज हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग से कि इस
वक्त में इसी पर्सन के मन में आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने ना आपको जो अपनी लाइफ से जाने दिया या आपके लिए इन्होंने जो स्टैंड नहीं लिया ना, वो इसी अथॉरिटिव पर्सन की वजह से नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं इस वक्त में इस पर्सन के मन में यही थॉट काफी ज्यादा चल रहे हैं कि आज ये जो बहुत ज्यादा अपने आप को अधूरा, टूटा हुआ, अकेला फील कर रहे हैं ना, तो उसके रीजन, उसकी वजह ये है। यानी कि ये पर्सन इस वक्त में उस एनर्जीज में है जिसमें ये एहसास कर रहे हैं, या फिर इनके मन में एक थॉट चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से आज की डेट में इनकी लाइफ में ये तूफान चल रहा है। वो बात और है कि ये इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन है कि इनके सामने आपके पार्टनर कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बट डेफिनेटली इस वक्त में आपके पर्सन के मन में इसी तरह के थॉट्स इस पर्सन को लेकर चल रहे हैं। इनके मन में ये चल रहा है कि इन्होंने अब तक काफी लंबा समय, शायद आप लोगों को हो गया ब्रेकअप हुए हुए, सेपरेट हुए हुए, तो इस पर्सन के मन में इसी तरह के थॉट्स है कि इतना वक्त हो गया है वेट करते हुए, पेशेंस करते हुए, आपका इंतजार करते हुए, या इनकी लाइफ में खुशियों के आने का इंतजार करते करते इतना वेट हो गया है। और अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये वेट करना इनका अब तक का पूरी की पूरी तरह से बर्बाद रहा है। तो इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में इस वक्त चल रहे हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और चुपचाप बैठ कर वेट कर रहे थे, तो ये वजह थी कि किसी और के द्वारा इनको इस तरह से गाइड करा गया था, इनकी सोच को इस तरह से बनाया गया था। तो इस वक्त में ये पर्सन इसी एनर्जीज में है कि इतना लंबा समय होने के बावजूद इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई खुशियां नहीं आई हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना इसी थर्ड पार्टी, इसी मैन्युपुलेटिव या इसी अथॉरिटिव पर्सन की बातों में आकर आपकी लाइफ से जाने का डिसीजन लिया था विद दिस डिसेप्शंस एंड एनवी। काफी ज्यादा चांसेस है कि इन्होंने ऐसी सिचुएशन इन्होंने बना दी थी, मैन्युपुलेटिव सिचुएशन, जिसमें कहीं ना कहीं दोष तो आपके ऊपर लग रहा था कि आप इस रिश्ते में नहीं आना चाह रहे हो या आपकी गलती है, आप पर ब्लेम्स डाले गए हैं, लेकिन वो सारा का सारा यहाँ पे मैन्युपुलेटिव सिचुएशन क्रिएट करा गया था। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस मैन्युपुलेटिव सिचुएशन के मामले में भी सोच रहे हैं, और जब ये उस सिचुएशन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं ना, तो इन्हें आपकी याद आ रही है विद दिस मेमोरी ऑफ लव कार्ड कि भाई इन्होंने इनकी बातों में आकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट तो करी, इन्होंने इनकी बातों में आकर आपसे दूर जाने का डिसीजन ले लिया, आपके साथ के रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाई और बजाय आपसे दूर जाने का डिसीजन ले लिया। तो ये पर्सन उन बातों को सोच सोच कर काफी ज्यादा आपकी मेमोरीज में घुस रहे हैं विद दिस मेमोरी ऑफ लव कार्ड कि आपके साथ ये खुश थे, जैसे भी हालात थे, जैसे भी आप थे, लेकिन जो भी था ओवरऑल इनकी लाइफ में खुशियां थी, प्यार था, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना उन्हीं खुशियों को अपनी तरफ लेकर आने के मामले में इस वक्त सोच रहे हैं कि आप किसी भी तरह से वो बातों को भूलकर या ये वो बातों को भूलकर या ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन है में है, ये उस कड़वाहट को पीछे भुलाकर आपको इनकी लाइफ में लेकर आ जाए। तो ये इस वक्त में उस तरह की सोच में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त ना अब आपको सेक्रीफाइस करने की एनर्जीज में नहीं है, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको दूर अपने आप से नहीं कर सकते, बल्कि दूर करने की बजाय ये आपके लिए लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं उसके लिए ये हिम्मत जुटाना चाहते हैं उस एनर्जीज में। यानी कि इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट चल रहे हैं कि नहीं, ये आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दे सकते, इन्होंने वेट कर लिया, इन्होंने सब करके देख लिया, लेकिन अब इन्हें अपने लिए, आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए खुद से स्टैंड लेना होगा। और उस चीज का इस वक्त में ये पर्सन स्ट्रेस भी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है ना, उसमें इस पर्सन को अपने आप को डिफेंड भी करना है, उसमें इन्हें आपको अपनी लाइफ में लेकर भी आना है। यानी कि अब सिचुएशन इतनी आसान नहीं रही है जितनी कि सोचने या देखने से लग रही हो।
इस ये पर्सन इस वक्त में इन्हीं चीजों का बेहद ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए डिटरमिनेट तो हो रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनके मन में क्यूरियोसिटी तो चल रही है, लेकिन चीजें अब इतनी आसान नहीं रही हैं। इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में इस वक्त में काफी ज्यादा चल रही है। ठीक है, यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रहा है कि इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए या ये जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, स्पेशली इस थर्ड पार्टी से, या अपनी सोच को इतना ज्यादा पावरफुल करना होगा कि जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज है ना, ये उसके सामने ने आपको खड़ा कर सके। ठीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन स्ट्रेटेजीज बना रही हूं, तो उस तरह की एनर्जीज है, यानी कि इस वक्त में इस पर्सन की होप कह सकते हो या इनकी सोच इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ बढ़ने के मामले में चल रही है, और साथ में ये भी चल रहा है कि इसके लिए ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी मैन्युपुलेटिव है, अथॉरिटिव है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में इस वक्त काफी ज्यादा चल रहे हैं। टैरो से देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा कि भाई क्या माजरा इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर, आप लोगों के बीच के कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं। चलिए टैरो से और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए विजडम के मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए विजडम के मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो पहला आया है नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई करा है, डेविल इन रिवर्स आया है एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर नंबर 8 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि अगस्त मंथ। ठीक है, देखो ये बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन इस वक्त में ना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये आपकी तरफ रीयूनियन का ऑफर लेकर आने की इच्छा रख रहे हैं, मन में इनके है कि आपकी तरफ एक ऑफर लेकर जाए कि चलो एक नई शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जो रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें जो स्ट्रेंथ जुटानी है ना, उस वजह से ये पर्सन काफी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजों का एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ को तो जुटाना ही है, लेकिन अपनों से इन्हें लड़ाई भी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और एक ऐसा अपना जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में है। विद इज द डेविल कार्ड इन रिवर्स, यहाँ पर ये चीजें तो तय है कि आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, काफी ज्यादा आपको या आपके पर्सन को या आप दोनों को कंट्रोल करके रखना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपके पर्सन इस कंट्रोलिंग एनर्जी से अब निकलना चाहते हैं, इस पावरफुल पर्सन की एनर्जी से अब निकलना चाहते हैं, और निकलकर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अपना एक रीयूनियन का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, और ये क्योंकि इस चीज के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसी रीजन की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर हैं। इस वक्त में ये पर्सन काफी ज्यादा सीखने और सिखाने वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं, जिसमें इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अब कंट्रोलिंग एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, और कहीं ना कहीं ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये अब निकल सकते हैं, इनके अंदर वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ ये जुटा लेंगे इस एनर्जी से, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से ये अपने आप को निकाल लेंगे, तो उस एनर्जीज में ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्ट, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स दो बार आप लोगों की रीडिंग में आया है, नंबर 5 और नंबर 6, यानी कि मई और जून दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। देखो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाई दे रहा है दो सिचुएशन मुझे विद दिस फाइव ऑफ सोर्स कार्ड। पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन ने आपसे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं,
किसी और की बातों में आकर काफी ज्यादा बातों को ईगो पर ले लिया। आप इन्हें समझाना कुछ और चाह रहे थे, इन्होंने समझा कुछ और, क्योंकि वहां पर जो सामने आपके पर्सन आपसे लड़ रहे थे वो अपने दिल या दिमाग से नहीं, किसी और के दिमाग से ही लड़ रहे थे। जिस मामले में आपके पर्सन अब अपने आप को काफी टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहे हैं, यानी ऐसा फील हो रहा है कि भाई इनके दिमाग से ये जीत तो गए लेकिन दिल से ये हार गए हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है कि पास्ट में भले ये पर्सन आपसे लड़े हो, इस गलत वर्ड्स इन्होंने आपको बोले हो, लेकिन अब आपके पार्टनर इन सबका जिम्मेदार इस थर्ड पार्टी को मान रहे हैं और इसको मानकर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो इस वक्त इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त ना डेफिनेटली आपके साथ को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको आज की डेट में इस वक्त में ये पर्सन एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जब आपके पर्सन आपसे लड़ रहे थे तो आप चुपचाप इनकी लाइफ से चले गए, या आपने कुछ बातें मन से लगाई और आपके मन में इनके लिए जो रेस्पेक्ट थी वो चली गई, लेकिन ये पर्सन अब उसी चीज को एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत बर्ताव करा जबकि आप ही इनकी खुशियां थी, आप ही इनकी लाइफ में खुशियां लेकर आने वाले पर्सन थे। तो इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में इस वक्त चल रहे हैं। देखो काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्ट कार्ड। ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा इश्यूज दिखाई दे रहा है, या फिर कास्ट डिफरेंसेस, या फिर एज गैप बहुत ज्यादा हो आप लोगों के बीच में, या फिर पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्टेटस में आप लोगों के डिफरेंसेस हो, या फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, इन्फ्लुएंस हो आपके पर्सन के ऊपर। तो आपके पार्टनर ना उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में, जो इनकी उथल पुथल या ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, उन्हीं को ये अपनी लाइफ का दोषी इस वक्त में मान रहे हैं कि आप और ये जो साथ में नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही चीजों की वजह से आप दोनों आज एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो इस वक्त में इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरी लाइफ ना जो भी हो तहस नहस होकर रह गई, उथल पुथल होकर रह गई, मेरी लाइफ खराब हो गई। इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं कि किसी और का कुछ नहीं गया, हाँ मेरा बहुत कुछ इस लड़ाई झगड़े में इस तूफान में गया है, ऐसा इस पर्सन के मन में काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, नंबर फाइव यानी कि मई मंथ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करा, आपके साथ को, आपके रिश्ते को इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, लेट गो कर दिया इन्होंने, ठीक है। और जिस चीज का इस वक्त में इस पर्सन को बेहद ज्यादा हो रहा है अफसोस, आप खुद देख सकते हो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, तीनों ही कार्ड ये चीजें बता रही है कि इस वक्त में ये पर्सन इन्हीं चीजों का इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा बर्डन ले रहे हैं कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने लिए जो स्टैंड लें वो कैसे लें, क्योंकि अब इतनी सिचुएशन खराब हो गई है कि इन्हें अब अपने आप को डिफेंड भी करना होगा और आपका साथ भी नहीं चाहिए। तो उस तरह की एनर्जीज इस पर्सन की है। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से तय है कि इस पर्सन के मन में अब अपने आप को अकेले करने का डर बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये अकेले रह गए, इनके पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिर्फ प्रेशर। यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना फोकस अपने पेंटिकल्स पर या जो भी इनकी लाइफ का मोटिव है उस पर इन्होंने लगा रखा है या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज है। तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड तो इस वक्त में इस पर्सन को हो रहा है और उसकी वजह ये दिख रही है कि काफी ज्यादा वक्त आप लोगों के बीच में हो गया है और इन्हें इंतजार करते करते काफी वक्त आपका हो गया है, ठीक है। आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि वो पहल करे वो पहल करे। जब आपने इनकी तरफ पहल करी तब इनका ईगो आपके सामने आ गया, या इनका एटीट्यूड या थर्ड पार्टी का ईगो आ गया। तो अल्टीमेटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है मेरी लाइफ में सिर्फ वेट करना रह गया, खुशियां तो आई ही नहीं,
ऐसा ही नहीं लग रहा है इस वक्त में। लाइट के मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, लाइट को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, इस मामले में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो पहला है टेम्परेंस, फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मून, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर नंबर 14 काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन ना अब आपके साथ रीयूनियन तो चाहते हैं, नई डायरेक्शन देखना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, और जो भी दर्द हुआ, जो भी बातें हुई, उन सबको ये पूरी तरह से मन से दिल से निकालना चाहते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन अब आपके साथ ही रीयूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। इस पर्सन के मन में ना इस तरह के थॉट्स है कि अगर आप लोगों के रिश्ते में ना दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो जाता, दोनों तरह से एडजस्टमेंट हो जाता ना, तो आज शायद आप लोग साथ होते, ये ब्रेकअप नहीं होता, ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि अब कंट्रोल, जैसे अभी नहीं लग रहा है ना कि कुछ चीजें सही नहीं हो पाएंगी, कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा, दोनों एक नदी के दो किनारे बनकर रह गए हो, दोनों साथ तो चल रहे हो लेकिन फिर भी साथ नहीं हो, तो उस तरह के जो थॉट्स चल रहे हैं ना, उस मामले में ऐसा लग रहा है कि अगर किसी तरह का बैलेंस हो जाता, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो जाता, तो शायद आप लोग रीयूनियन में होते, एक दूसरे के साथ होते, या जो भी एक दूसरे को दर्द दिया गया है उसे इग्नोर कर दिया जाता, तो आप लोग बैलेंस में होते, आप लोगों का रिश्ते में जो भी इश्यूज आए हैं ना वो सॉल्व हो गए होते जड़ से, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त में काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा ओवरलोड हो रहे हैं, एज इन की बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो चीजें सही हो जाती, और इन्हें ये बातें सोच सोच कर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा जो लक है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, और अपने लक को कहीं ना कहीं, अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा दोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका दिमाग इस वक्त में काफी ज्यादा थका हुआ या ओवरलोड दिख रहा है इसी रीजन की वजह से। एक होप जो बनाए बैठे थे लंबे समय से, वो होप टूट गई है, साल नया साल शुरू हो गया है, कुछ हुआ नहीं है रिश्ते में, वेट करते करते कुछ नहीं हुआ है, तो वही इस पर्सन के साथ हो रहा है कि ओवरलोड हो रहा है इनका दिमाग कि कुछ हुआ भी नहीं है और अब नया साल भी स्टार्ट हो गया, अल्टीमेटली हाथ कुछ नहीं आया है, इस तरह की एनर्जीज इस वक्त की इस पर्सन की है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, इस मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, इस मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो पहला आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नंबर सिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून मंथ, फिर से सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। देखिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हैं, यहाँ पर ये चीजें पूरी तरह से तय हो रही है कि ये पर्सन ना इस वक्त उसी एनर्जीज में है कि अगर बैलेंस हो जाता ना चीजों का विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगर दोनों ही तरफ से बैलेंस हो जाता तो आज आप दोनों का रिश्ता भी बैलेंस हुआ हुआ होता, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, आप दोनों की रिश्ते की नई शुरुआत होती। यानी कि ये पर्सन ना ऐसी एनर्जीज में है जैसे साल का एंड हो गया और अब नया साल आ गया, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता, उस तरह की एनर्जीज इस पर्सन की। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जो जिस पे मैं भरोसा कर रहा था या कर रही थी, जिनको मैं अपनी टीम की तरह देख रहा था या देख रही थी, एक्चुअली में वही काफी ज्यादा उन्हीं लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की है, काफी डिप्रेसिंग एनर्जीज, या किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज हैं। ये पर्सन जिन चीजों को लेकर सोच रहे थे कि हाँ इन्हें सक्सेस मिल रही है, ये जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्हें यही गाइडेंस दी जा रही थी कि जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, सही राह पे चल रहे हो, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, इनकी टीम इन्हें इसी तरह सजेस्ट कर रही थी, इसी तरह मैनिपुलेट करके गाइड कर रही थी, उन्हीं चीजों पर अब इस पर्सन को डाउट हो रहा है, उन्हीं चीजों पर अब ये भरोसा नहीं कर पा रहे, वो भरोसा इनका टूटता जा रहा है। रीजन यहाँ पर है कि साथ आप लोगों का चाहकर भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये पर्सन शुरुआत से आपके साथ रीयूनियन चाहते थे,
वो बात और है कि अपनी शर्तों के बेसिस पे चाह रहे थे, वो बात और है सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चीजों को डील करना चाह रहे थे, और अब इनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो भी नहीं हुआ और आप भी इनसे दूर हो गए हो। तो इस रीजन की वजह से ये पर्सन ना, जो नहीं हुआ मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उन चीजों के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्ब, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इनके एक्शंस और देखते हैं, फाइव कार्ड्स निकाल के, कि क्या ये कोई रिसेंटली एक्शंस लेंगे आपकी तरफ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। दो कार्ड्स आए हैं शायद। पहला आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कार्ड्स फिर से आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली काफी ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली एक्शंस लेंगे, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी टीम है जिसे पे ये बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा ही फील होने वाला है कि इनका साथ ना देख कर, या इनके गाइडेंस में ना आकर, इनकी बातों में ना आकर, अब जो भी काम करा जाए वो खुद से करा जाए। तो ये उस एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन के मन में, क्योंकि इनके लिए यही है कि ये बहुत सेल्फिश है, ये साथ नहीं दे रहे हैं, और दूरियां डिस्टेंस बनाने में इन लोगों ने साथ दिया है। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ जो भी एक्शंस लेंगे वो खुद से लेंगे, एक नई शुरुआत का, मैरिज में आने का, मैरिड हो तो बेसिकली बैलेंस में आने का, ये चीजें हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस इस पर्सन के एक्शंस लेने के यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ अब ये जो भी करेंगे ये खुद से ही करेंगे, उस एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये कर भी रहेंगे। चलिए, साल का पहला दिन है, तो साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं साईं बाबा के आशीर्वाद से कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए बाबा, और बताइए आप क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स के सिचुएशन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, व्यूअर्स गाइड कीजिए। तो पहला है माध्यम, आप अकेले नहीं है। गाइड कीजिए बाबा, और बताइए आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हो। गाइड कीजिए बाबा। कर्मों की शुद्धि, रंज और आनंद, एंड बॉटम ऑफ द डेक है दृढ़ बनिए, ठीक है। तो देखिए बेसिकली बाबा आपसे ये बोल रहे हैं कि आपके साथ ये जो भी हुआ है ना, वो बेसिकली आपके जो भी आपके पास लाइफ के कर्मा थे, या इस लाइफ में जो भी आपने बैड कर्मास क्रिएट करे थे, उनकी शुद्धि के लिए ये आपके साथ हुआ है। जो भी आपका अभी तक बुरा वक्त चल रहा था, और इसी बुरे वक्त ने कहीं ना कहीं आपको दृढ़ बनाया, इसी बुरे वक्त ने आपको अच्छे और बुरे की पहचान करनी सिखाई, और इसी बुरे वक्त ने आपको स्ट्रांग बनाया। तो बाबा आपसे बोल रहे हैं जो भी ये आपके कर्मों की शुद्धि हुई है, इसके माध्यम से आप स्ट्रांग बने हो। उसके अलग यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखो जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है, तो अगर आपकी लाइफ में इस वक्त में उदासी चल रही है, दुख चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त यही चलता रहेगा, आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आएंगी, ऐसा बाबा आपसे बोल रहे हैं। उसके अलग ये जो भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, या आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, ये बाबा की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि ये बाबा के का कोई कार्य है जिसका माध्यम आपको बनाया गया है। हो सकता है जिन चीजों को आप ये फील कर रहे हो कि मेरे कर्मों की शुद्धि है, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन के कर्मों की शुद्धि के लिए हो रहा हो, या ये जो थर्ड पार्टी है उसके कर्मों की शुद्धि के लिए ये हो रहा हो। हर चीज के लिए अपने आप को दोषी नहीं करार देना है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको बाबा के किसी कार्य का माध्यम बनाया गया है, और उस कार्य के माध्यम के पूरा होते ही आपकी लाइफ में भी चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके साथ हमेशा बाबा हैं, या जिन पे भी आप भरोसा करते हैं वो आपके साथ हमेशा हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोचकर अपनी जिंदगी में स्ट्रांग बनना है, और खुशी और गम जो भी है हर पहलुओं में आपको मुस्कुराकर निकल जाना है, ऐसा बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।